वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मुकम्मल तआवुन करेंगे। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना में हज़ारों करोड़ से ज़्यादा के काम शुरू किए गए हैं। पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तखर के अंदर प्रियादर्शिनी स्टेडियम में 56,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और अमली तौर पर इन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। वज़ीर आज़म ने 30 से ज़ायद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल अज़ी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 4 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत के क़याम के बाद पहली बार तेलंगाना आने वाले वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने मैं खुद आदिलाबाद पहुंचा हूं। इन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इन्होंने कहा कि तसादुम का माहौल अवाम के लिए अच्छा नहीं है। रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से तआवुन की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव, रुकन असेंबली पायल शंकर, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज, ज़िले एसपी गौस आलम के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित वंचित आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। यह हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये रोज़ जातीय रहदार लो एनटीपीसी प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट ఏదైతే ఉన్నదో స్టేట్ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ప్రకారము 4000 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రారంభించాల్సి ఉంటే గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ఈ రోజు 1600 మెగావాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే ఈ 10 సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది। నేను ప్రధానమంత్రి గారి సమక్షంలో केंद्र मंत्री किशन रेड्डी गारु, तेलंगाना राष्ट्र गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन गारु, मित्रुडु स्थानिक एंपी स्वयं बाबूराव गारु, मित्रुडु एमएलए स्थानिक शासन सभ्युलु पायल शंकर गार समक्षंलो नेनु एनटीपीसी संस्थकु नेनु चेप्पदल्चुकुन्नानु। तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्वं मिगिलिन 2400 मेगावाट्ल विद्युत उत्पत्तिकि అన్ని రకాల అనుమతులు ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఇవ్వవలసిన అన్ని రకాల అనుమతులను ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర పురోగతిలో మీరు ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ 85% మా రాష్ట్రానికి ఇవ్వబోతున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వెలుగులు నింపబోతున్నారు, సంపూర్ణంగా మా ప్రభుత్వం ఎన్టీపీసీ సంస్థకు సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి వేదిక మీద నుంచి నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను। ఎప్పుడైనా